लद्दाख के खारदुंगला में अवलांच में फंसे 10 लोग लापता, पुलिस और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीबीआई में बड़ा फेरबदल, आलोक वर्मा के बाद राकेश अस्थाना की भी सीबीआई से छुट्टी, 3 और अफसर हटाए गए। घने कोहरे से पटा पूरा दिल्ली एनसीआर, कोहरे के चलते ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट। दिल्ली के लोधी कॉलोनी एरिया में पीएम 2.5 500 और पीएम 10 484 पर पहुंचा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना जारी, दिल्ली में पेट्रोल 8 पैसे और डीजल 19 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपए के पार पहुंचा। सैनिकों की मौत पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार को घेरा, पूछा जब कोई युद्ध नहीं तो सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं। जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बने, 31 जजों की संख्या वाले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 28 हुई। लोकपाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सर्च कमेटी को नामों की सिफारिश के लिए फरवरी तक की मोहलत दी। रिलायंस 10,000 करोड़ से ज्यादा तिमाही मुनाफे वाली देश की पहली निजी कंपनी बनी, रिलायंस जियो का मुनाफा 65% बढ़ा। और मेलबर्न वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य दिया।